हे गाइस, वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका कैलेंडर। कैलेंडर आपका रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप डीआरडीओ, एमटीएस, एसएससी, जेई या फिर किसी भी कोई भी एग्जाम, पूरे इंडिया में आपका कोई भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको कैलेंडर पढ़ना है, तो ये आपके कैलेंडर की बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पर और किसी भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ईजी है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैं इस पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि मुझसे बेस्ट कैलेंडर ना तो अभी तक किसी ने पढ़ाया है और ना इतनी मेहनत कैलेंडर के लिए किसी ने करी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, कैलेंडर की इस सीरीज या इस वीडियो को देखने के बाद कैलेंडर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पर हिलेगा नहीं या फिर आप पर सोल्व नहीं होगा। आप कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो वो किसी से नहीं होगा, इस बात की गारंटी भी मैं लेता हूं। बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करो, बिना फालतू की बकवास करें, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, कैलेंडर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे और एकदम हीरो की तरफ जाएंगे। सो एज वी नो दैट टू टाइप्स ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर दो तरीके के होते हैं, हमको सिंपल पता है। एक होता है आपका बीसी कैलेंडर, एक होता है आपका एडी कैलेंडर। बीसी कैलेंडर को बिफोर क्रिस्ट भी बोलते हैं, CRIST। ठीक है, आगे पीछे लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूलियन कैलेंडर और बिफोर क्रिस्ट। ओके, बिफोर क्रिस्ट, बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, जूलियन कैलेंडर ईसा पूर्व। फिर आता है आपका गैरोग्रियन कैलेंडर और आपका एडी कैलेंडर। एडी कैलेंडर को बहुत सारे लोग आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, बट आफ्टर डेथ का मतलब क्या हुआ, पहले जन्म हुआ और फिर उनके मृत्यु हो गई, बट ऐसा नहीं है। एडी का मतलब आपका एनोडोमिनी होता है, एनोडोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड होता है। ठीक है, और हम कैलेंडर बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। फिर है आपका लास्ट डे ऑफ बीसी कैलेंडर वाज संडे, इस चीज को ध्यान रख लेना बस। लास्ट डे ऑफ बीसी कैलेंडर वाज संडे, जो बीसी कैलेंडर का आखिरी दिन था वो आपका संडे था। और वी कैन से दैट ऑन जीरो डेट ऑफ एटी कैलेंडर द डे वाज संडे। और हम ये भी बोल सकते हैं जब आपका जीरो डे था, वन से पहले आपका जीरो आता है, तो एटी कैलेंडर का जीरो डे आपका क्या था, संडे था। ओके, और सो 1st January 0001 वाज मंडे। ठीक है, जब इस वाले कैलेंडर का, एडी कैलेंडर का जीरो डे आपका संडे था, तो पहला दिन जो होगा पहले महीने का पहला दिन आपका मंडे होगा। ठीक है, 1st January 0001 वाज मंडे, इस बात को याद रखना कि पहले साल का पहला दिन आपका मंडे था। अब हम बात कर लेते हैं आपके ईयर्स के बारे में। वर्ष आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है, ईयर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका जनरल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। जनरल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। इस वजह से होता है कि जनरल ईयर में आपके फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में आपके 29 दिन होते हैं। ओके, अब ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना। एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, हर चौथी साल आपकी लीप वर्ष होती है। एक्सपेक्ट एवरी सेंचुरी ईयर, बस आपकी हर सेंचुरी ईयर को छोड़कर, ठीक है, लेकिन हर शताब्दी वर्ष आपकी लीप वर्ष नहीं होती। शताब्दी से मेरा मतलब है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, वो हर एक शताब्दी आपकी लीप वर्ष नहीं होती। एज ओनली फोर्थ सेंचुरी ईयर इज द लीप ईयर, और आपकी हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। समझे बात को, हर चौथी वर्ष आपकी लीप वर्ष होती है, हर चौथी शताब्दी आपकी लीप वर्ष होती है। ठीक है, याद रखना, हर चौथी वर्ष आपकी लीप वर्ष होती है और हर चौथी शताब्दी आपकी लीप वर्ष होती है। ओके, आगे मूव करते हैं, पूरा एक बार मैं रीड करके बता देता हूं मैं आपको। एज वी नो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट टेक्स 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 47 मिनट्स 47 एंड हाफ सेकेंड टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑलमोस्ट 365 डेज एंड 6 आवर। सो दीज एक्स्ट्रा 6 आवर्स आफ्टर 4 ईयर्स कंप्लीट अ डे। सो एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो आपकी जो पृथ्वी है वो सन के रोटेशन लगाती है। ओके, और उसको रोटेशन लगाने के लिए 365 दिन और ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हर चार साल में ये 6 घंटे आपके एक साथ ऐड होकर जुड़कर एक लीप ईयर बनाते हैं। लीप ईयर क्यों बनाते हैं, जो आपका एक एक्स्ट्रा दिन बनता है, 6-6 घंटे चार बार जोड़कर 29 दिन आपका, सॉरी, जो आपका एक एक्स्ट्रा दिन बनता है, तो उस दिन को चौथे वर्ष में फरवरी में ऐड कर देते हैं 29 तारीख को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लीप ईयर का आविष्कार होता है या फिर जो भी होता है वो बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
सो एज वी नो दैट एवरी वीक हैविंग 7 डेज, हमको बताया कि हर एक हफ्ते के अंदर आपके 7 दिन होते हैं. इफ एनी वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे, और अगर कोई भी हफ्ता आपका मंडे को शुरू होता है तो वो डेफिनेटली आपका संडे को खत्म होगा. सो लेट्स सी नंबर ऑफ वीक इन अ जनरल ईयर. तो हमको क्या करना है, हम एक जनरल ईयर के अंदर साल देखते हैं, एक जनरल ईयर के अंदर आपके सप्ताह देखते हैं, एक जनरल ईयर के अंदर आपके कितने वीक्स होते हैं. ओके, हमको ये देखना है. तो हम क्या करेंगे, हम आपसे आपका सिंपली 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे. 7 से आप इसको यहां पे डिवाइड करोगे तो आपका 52 वीक्स आएगा और 1 एक्स्ट्रा डे आएगा. तो मतलब सो इन जनरल ईयर देयर इज 52 कंप्लीट वीक एंड 1 एक्स्ट्रा डे. आप इसको डिवाइड करोगे, 7 5 से 35, 15 बचा, 7 2 से 14, तो आपका वहां पे रिमाइंडर में 1 बच गया. माइनस करोगे ना इसको, तो आपका 52 वीक्स बचे और 1 एक्स्ट्रा डे बचा. ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे. सो इन जनरल ईयर देयर इज अ 52 कंप्लीट वीक एंड 1 एक्स्ट्रा डे. मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप पेन और पेपर लेके इसको अभी सॉल्व कर रहे हो ना, तो जिंदगी में कैलेंडर के क्वेश्चन के लिए कभी पेन और पेपर यूज नहीं करना पड़ेगा. बात को सुनो और समझो ध्यान से. ठीक है, ये हो गया. सो इफ वी कंसिडर दैट जनरल ईयर स्टार्ट फ्रॉम मंडे, दैट मीन्स 1 जनवरी वॉज मंडे एंड वीक विल एंड ऑन संडे. सो एवरी वीक विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड एंड ऑन संडे टिल 52 वीक्स. सो आवर 52 वीक विल एंड ऑन 30 दिसंबर ऑफ दैट ईयर एंड ऑन 30 दिसंबर द डे विल संडे. ऑन 31 दिसंबर विल बी मंडे. ठीक है, बताता हूं, डरो मत. इतनी सारी इंग्लिश नहीं बोल दी मैंने. सिंपल सी चीज है, अगर आपका कोई जनरल ईयर है और उसका पहला दिन, साल का पहला दिन अगर आपका मंडे था, तो आपका साल के पहले सप्ताह का पहला दिन अगर मंडे था तो उसी सप्ताह का आखिरी दिन आपका संडे होगा. और इसी तरीके से आपका 52 हफ्ते तक ये चीज, यही प्रोसेस आपका चलेगा. और आपके 52 वीक्स कब खत्म हो रहे हैं, आपके 52 वीक्स खत्म हो रहे हैं 30 दिसंबर को. ठीक है, क्योंकि आपके एक जनरल ईयर में क्या होता है, 52 वीक होता है, 1 एक्स्ट्रा डे होता है. तो 52 वीक्स आपके कब खत्म होंगे, आपके 30 दिसंबर को खत्म होंगे. 30 दिसंबर को आपके वीक का आखिरी दिन होगा, जो आपका आखिरी सप्ताह है उसका आखिरी दिन होगा, मतलब उस दिन आपका संडे होगा. तो सिंपल सी बात है, लिटरली आपका जो 31 तारीख है उस दिन आपका मंडे होगा. ओके, सो कंक्लूजन यहां पे क्या निकला, इन जनरल ईयर ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर द डे इज सेम. तो मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कोई भी साल अगर जनरल ईयर है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी साल जनरल ईयर है, तो साल का पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन भी मंडे होगा. अगर साल का पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी शुक्रवार होगा. अगर साल का पहला दिन आपका संडे है तो साल का उसी साल का आखिरी दिन भी आपका संडे होगा. हिंदी के लिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो. मैंने बताया तो हिंदी में, यह भले लिखा हुआ इंग्लिश में. ठीक है, आगे मूव करते हैं. अब हम लीप ईयर के बारे में देख लेते हैं. लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में हमको देखना है कि कितने वीक्स होते हैं. 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके 52 वीक्स आएंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे. ओके, 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे आपके. सो इन लीप ईयर देयर इज 52 कंप्लीट वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डे. तो यही चीज हो गई यहां भी कि आपके लीप ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं. अभी आपके 2 एक्स्ट्रा दिन क्या होगा, सो अगर वो हिंदी में ये लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है. तो अगर आपका लीप ईयर स्टार्ट होता है मंडे को, ठीक है, तो उसका उसका जो वीक होगा, जो आपका आखिरी वीक होगा साल का, अगर पहला दिन आप अगर लीप ईयर की साल का पहला दिन मंडे है, ओके, तो उस सप्ताह का आखिरी दिन आपका संडे होगा. ओके, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके 52 वीक तक. 52 वीक आपके कब खत्म हो रहे हैं, आपके 52 वीक 29 दिसंबर को खत्म होंगे. ठीक है, और 29 दिसंबर को आपको क्या दिन होगा, जो कि 29 दिसंबर को आपका संडे होगा, क्योंकि साल का पहला दिन आपने मंडे लिया है ना. तो आपको क्या करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है. आपको 29 तारीख को अगर आपका संडे था तो 30 तारीख को आपका मंडे हुआ और 31 तारीख को आपका ट्यूसडे हुआ. तो आपको इससे यह पता चलता है कि अगर लीप ईयर का पहला दिन मंडे था तो उसका आखिरी दिन ट्यूसडे होगा. अगर पहला दिन आपका साल का ट्यूसडे था तो उसका लास्ट डे वेडनेसडे होगा. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इन लीप ईयर ऑन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर द डे इज नॉट सेम. तो लीप ईयर में आपका दिन सेम नहीं होता, उससे एक अगला दिन होता है. ठीक है, दिन सेम नहीं होता उसमें. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सबका, हाउ टू डिटरमाइन
एनी ईयर इज जनरल ईयर और लीप ईयर। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई भी ईयर आपका जनरल ईयर है या लीप ईयर है? इफ एनी सेंचुरी, इफ एनी नॉन सेंचुरी ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, देन इट विल बी अ लीप ईयर। अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर बिना शताब्दी वर्ष यदि 4 से पूरा विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष है। एंड इफ एनी सेंचुरी इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, देन इट विल बी अ लीप ईयर। और शताब्दी वर्ष यदि 400 से पूरा विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष है। ठीक है, इसको शायद कुछ लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं बताता हूं कि अगर कोई नॉन सेंचुरी लीप ईयर, नॉन सेंचुरी लीप ईयर आपकी वो होती है जैसे 2004, 2005, 1996, 1825, 1826, 1724, ठीक है, और सेंचुरी होती है, ये हो गया आपका नॉन सेंचुरी ईयर्स। ये एग्जांपल है आपका, एग्जांपल ऑफ नॉन सेंचुरी लीप ईयर्स। ठीक है, ऐसा ही आपके नॉन सेंचुरी लीप ईयर्स हैं। और आपकी सेंचुरी ईयर्स कौन सी होती है? जिसके आखिरी में आपका 100 में डिजिट्स आए, ठीक है, वो होती है आपकी सेंचुरी ईयर्स। और जो आप जिसमें आपका 100 में डिजिट्स ना आए वो होती है आपकी नॉन सेंचुरी ईयर्स। समझ गए? तो अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर आपकी 4 से डिवाइड है तो वो आपकी लीप ईयर है, और अगर कोई सेंचुरी ईयर आपकी 400 से डिवाइडेड हो कंप्लीटली तो वो आपकी सेंचुरी लीप ईयर है। ओके, लीप ईयर सेंचुरीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस चीज को समझ लो थोड़ा सा, फिर से रिपीट करके बैक करके अगर समझ में नहीं आया आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर अभी तक आपको सब कुछ सिंपल लग रहा है, समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस सीरीज को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कैलेंडर में मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, कम से कम ये चौथी बार में जाके इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पीछे से कोई शोर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। हमको पता चल करना है कि इसमें से आपकी लीप ईयर कौन सी है। सॉरी, ये गलत पेज आ गया है, पहले हमको ये वाला देखना है। ठीक है, ये वाला आपका, हमको इसमें से देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। आपको इसमें से देखना है कि आपकी सेंचुरी ईयर्स नहीं है। ठीक है, सेंचुरी ईयर नहीं है तो आपको इसमें पता करना है, आपको सिंपल इसमें 4 से डिवाइड करना है। मैं नहीं करूंगा, आप करो, वीडियो को पॉज करो और डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो ये तीनों आपके डिवाइड नहीं होंगे, ना ये डिवाइड होगा कंप्लीटली, ना ये डिवाइड होगा, ना ये डिवाइड होगा, ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये आपका लीप ईयर है। फिर से देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, फिर से आपका आंसर आया, मैंने इस पर गलती से टिक लगा रखा है आपका, अभी मैं पहले वीडियो बना रहा था तब लगा दिया था। तो ये है आपका, फिर से ये वाला आपका लीप ईयर है, डिवाइड करके देखो, बस ऐसे वीडियो को मत देखो कंटिन्यूअसली, देखे जा रहे हो इतनी देर होगी आपको। ठीक है, कंटिन्यूसली मत देखो, डिवाइड करके देखो खुद से, ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये आपका लीप ईयर है। अब हम एक एग्जांपल आपका सेंचुरी का देख लेते हैं। अब बात आ गई सेंचुरी की, अब हमें सेंचुरी को कैसे पता चलेगा कि वो सेंचुरी आपकी लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको उसको 400 से डिवाइड करना होगा। अभी पढ़ा था ना पीछे, इतनी जल्दी भूल गए। ठीक है, तो आपको इसको 400 से डिवाइड करना है, इन सभी को 400 से डिवाइड करो और देखो, ये देखो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लीप सेंचुरी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द डे ऑफ एनी डेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी तारीख का, कोई भी दिन, किसी भी साल का किस तरीके से पता कर सकते हैं। एज वी कंसिडर लास्ट डे ऑफ बीसी कैलेंडर वॉज संडे एंड ओन जीरो डेट वॉज संडे। तो हमने अभी अभी ये कंसिडर किया था कि साल बीसी कैलेंडर का आखिरी दिन आपका संडे था, और एडी कैलेंडर का शुरुआती में जो आपका जीरो डे था वो आपका संडे था। सो टू फाइंड द डे ऑफ एनी डेट, फर्स्ट वी हैव टू मेक वीक्स एंड हैव टू काउंट एक्स्ट्रा डेज। तो अगर हम कोई भी डे फाइंड करना चाहते हैं किसी भी डेट का, तो उसको करने से पहले हमको सबसे पहले एक्स्ट्रा वीक हमें पता करना पड़ेगा, हमको वीक्स बनाने पड़ेंगे उस साल के और काउंट करने होंगे उसके एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, और जो भी आपके एक्स्ट्रा डे आएंगे उन एक्स्ट्रा डे को हमको संडे में ऐड करना कर देना होगा। लाइक अगर आपके 5 वीक और दो एक्स्ट्रा डे आया, तो जो आपके 5 वीक को आप गोली मारो, भगा दो उन्हें, जो आपके एक्स्ट्रा डेज हैं उनको संडे में ऐड कर दो। आप दो का ऐड करोगे तो आपका आंसर ट्यूसडे आ जाएगा। अगर आपके 6 वीक और 5 दिन है तो सिंपल 6 वीक को गोली मारो, फेंक दो, बाकी 6 दिन को ऐड कर दो, या 5 दिन जो भी आप कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो सिंपली आपको एक्स्ट्रा डेज पे फोकस करना है अभी। अब पता ये आपका कोड है, ये याद रखना, जब भी आपके एक्स्ट्रा डेज आएंगे लाइक 52 वीक्स एंड 3 डेज, तो 52 वीक्स को फेंक दो, बाकी 3 डेज को आप ऐड कर दो। 3 पे आपका क्या कोड आ रहा है, 3 पे आपका वेडनेसडे आ रहा है, तो मतलब उस दिन आपका वेडनेसडे होगा।
हाउ टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो एक चीज ये ध्यान रखना, जनरल ईयर में आपका क्या होता है, जनरल ईयर में आपका वन एक्स्ट्रा डे होता है और लीप ईयर में आपका 200 लीप ईयर में आपका 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, जनरली में आपका 1 एक्स्ट्रा डे होता है, लीप ईयर में आपका 2 एक्स्ट्रा डे होता है। अब ये कैसे आए, याद इतनी जल्दी भूल गए आप, अभी हमने डिवाइड करा था ना पीछे 7 से 365 को, तो 52 वीक्स ठीक है और 1 एक्स्ट्रा डे आया था, लीप ईयर में आपका 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डे आए थे, याद है ना। ठीक है आगे मूव करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपसे तो ये पूछ लिया जाएगा ना कि 1756 में क्या दिन था या फिर 1835 में क्या दिन था, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको सेंचुरीज को समझना होगा। तो अब हम पहले 100 साल का देख लेते हैं, बस हमको 100 का निकालना है, बाकी हमको अपने आप आ जाएगा। ठीक है तो हम पहले 100 साल का देखते हैं, 100 ईयर्स का पता करते हैं स्टार्टिंग के 100 का, तो लीप ईयर ठीक है, स्टार्टिंग के 100 में आपके लीप ईयर्स कितने हुए, 24। अभी 24 कैसा आया, सिंपली आप जब 100 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका क्या आएगा, 24 आएगा। आपको 100 वाला ईयर नहीं लेना है ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 24 आएगा, आप डिवाइड करोगे तो आपका इजीली आ जाएगा, क्योंकि जो आपकी ईयर है ठीक है, जो आपकी आखिरी ईयर है जिसका हमें फाइंड करना है, वो आखिरी नहीं लेनी होती हमको। ओके तो हमको क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 99 ईयर्स तक का करना है, और 99 ईयर्स तक को आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपके 24 लीप ईयर्स उसमें आएंगे। ओके और आपकी 100 वाली जो है वो आपके लीप ईयर है नहीं, आपको पता है ना, अगर कोई भी सेंचुरी है ठीक है, अगर कोई सेंचुरी है तो उसको 400 से डिवाइड होना जरूरी है, और 400 आपका 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो 100 वाली आपकी ईयर हुई वो आपकी सेंचुरी ईयर नहीं हुई, इसलिए आपको सिर्फ 99 वालों को डिवाइड करना है। और अगर आपको 99 वाले को डिवाइड करोगे या 100 तक में आप फाइंड करोगे तो आपके 24 लीप ईयर्स होते हैं, 24 लीप ईयर्स होते हैं, और बाकी बचे हुए आपके क्या हुए, जनरल ईयर 76, दोनों को प्लस करो आपको 100 आ जाएगा। तो ये तो हो गए आपके 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर हो गए और आपके 76 आपके जनरल ईयर हो गए। अब हमको इन दोनों के अंदर आपके एक्स्ट्रा डेज फाइंड करने हैं, बात को ध्यान से देखना और समझना। हम लीप ईयर का देखते हैं 24 आपके क्या है, एक्स्ट्रा डेज है, 24 आपकी ईयर्स हैं लीप ठीक है, और एक लीप ईयर में आपके कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, अभी आपने देखा था, ये देखो एक लीप ईयर में आपके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो यहां पे आपके आपको इनटू करना पड़ेगा 2 से एक्स्ट्रा डेज फाइंड करने के लिए। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 48 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है अभी इधर कुछ मत देखो, -42 कुछ मत देखो, इतना नहीं देखना अभी आपको ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है 48 देखना है, आप 48 को देखो ठीक है, ये आपके 48 है ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको 24 साल थे, 24 लीप ईयर है, 24 एक लीप ईयर में आपके कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2 होते हैं, आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके 48 डेज हो गए, 48 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब आपको पता है कि 7 दिन में, 7 दिन को अगर जोड़ते हैं तो एक सप्ताह बनता है, तो अब 48 डेज में आपके कितने सप्ताह बनेंगे, 7 × 7 = 14 21 28 35 42, तो इंटू 6 ठीक है 42 डेज तक आपके 6 सप्ताह बन गए। ठीक है तो -42 डेज करोगे तो 6 वीक हो गए, तो बाकी बचे हुए आपके कितने दिन हुए, आपके 6 दिन हुए एक्स्ट्रा। तो मतलब 100 साल के अंदर जो बाकी 24 लीप ईयर हैं उसमें आपके 6 एक्स्ट्रा डे हुए, अभी खत्म नहीं हुई है बात, देखते रहो। बाकी 76 ईयर है, 76 एक जनरल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, जनरल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपका 76 आएगा, और बाकी 70 दिन का फिर से 10 सप्ताह बन गए तो फिर से वो कट गए ठीक है, तो बाकी बचे हैं आपके 6 एक्स्ट्रा दिन, कितने बचे आपके 6 एक्स्ट्रा दिन बचे। फिर क्या करना है आपको, 12, अब ये आपके इन दोनों को जोड़ोगे ना, 100 साल का अलग निकाल रहे हैं ना हम, 24 और 76 का थोड़ा निकाल रहे हैं ठीक है, 24 और 76 का थोड़ा निकाल रहे हैं हम, तो 100 का निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, आपके 12 एक्स्ट्रा डे हो गए। अब इन 12 एक्स्ट्रा डेज में से भी, इन 12 में से भी तो आपका 7 दिन का एक वीक बन गया ना, 7 दिन का एक वीक बन गया ना, तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, आपने इस 12 में से 7 दिन को माइनस किया, मतलब एक वीक को माइनस किया, तो आपके एक्स्ट्रा दिन 5 आए ना। तो इन 100 साल में, बस अगर आपके समझ में भी नहीं आया तो छोड़ो, उस बात को छोड़ दो, भूल जाओ, जरूरत नहीं है ठीक है, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे मूव करो ठीक है। बस ये याद रख लो कि 100 साल के अंदर आपके 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं, अगर 100 साल के अंदर आपके साल में 5 एक्स्ट्रा डे होंगे तो 200 साल में कितने होंगे, आपको सिंपल क्या करना है, 100 साल में आपके 5 एक्स्ट्रा डे थे तो आपको 200 साल में कितने होंगे, 5 × 2 कर दो, आपके 10 हो गए। अब उन 10 में से भी आपका क्या हुआ, आपके 10 दिन हुए ना, अब उन 10 दिन में से भी आपके 7 का एक हफ्ता बन गया, तो आप 7 माइनस कर दोगे तो आपके 3 अंक हो गए, तो 7 100 में आपके 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 200 साल में आपके 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, और उसी तरीके से 300 साल का देखोगे आप
ठीक है, 300 ईयर्स का देखोगे तो 300 में आपके कितने एक्स्ट्रा डे हुए, 3 5 5 × 3 मतलब 15, और 15 में से 14 डेज के आपके 2 हफ्ते बन गए, 2 सप्ताह बन गए, ठीक है, 2 सप्ताह के आपके 14 दिन हो गए, तो 15 - 14 तो आपका 1 डे हुआ। बस अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो, बस 100 ईयर्स का याद कर लो, 100 साल में 5 होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है, और 400 साल में 0 होते हैं। 400 साल में 0 देखते हैं, 0 किस तरीके से होते हैं। अब ये वाला क्या है, ये वाला है आपका 400 5 × 4 मतलब 5 थे ना 100 में, तो 100 का 5 हो गया इंटू 4, तो मतलब 20 एक्स्ट्रा दिन हो गए, 20 एक्स्ट्रा दिन प्लस 1। अब प्लस 1 कहां से आया, ये 400 वाली जो साल है ये तो आपकी लीप ईयर है ना, लीप ईयर हुई ना जो 400 वाली साल है, लाइक पहले वाली आपकी लीप ईयर नहीं थी, दूसरी 200 नहीं थी, 300 नहीं थी, बट जो 400 वाली साल है वो तो 400 से डिवाइड हो रही है ना, डिवाइड 400 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 आया ना आपका, ठीक है, जो 400 साल है वो भी तो एक लीप ईयर आपने ऐड करी, तो प्लस 1 होगा, तो यहां पे आपके 21 एक्स्ट्रा डेज हो गए, और जब आपके 21 एक्स्ट्रा डेज होते हैं तो यहां पे आपका 0 कोटा जाएगा, क्योंकि 21 डेज के तो 3 सप्ताह बन गए, वो ऑलरेडी कट गया, तो 400 ईयर्स में एक भी आपका एक्स्ट्रा डे नहीं होता। अगर कहीं पे 400 साल की बात हो रही है तो आपके कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होंगे। अब बात आती है लाइक 1656 की, ठीक है, या फिर 1756 की, 1756 मान लेते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप 1600 तक का जाओगे, 1600 सेंचुरी तक का आपने देखा, ठीक है, कि 1600 साल तक तो आपका कोई भी 0 दिन नहीं था, क्योंकि 1600 तक तो आपका 0 दिन हो गए, अब बाकी आपको आगे का देखना होगा। अभी आपको क्वेश्चन में पता लगेगा, मैं दिखाता हूं आपको। अब हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने हैं, स्टेप बता देता हूं, स्टेप्स टू फाइंड डे ऑफ एनी डे, ठीक है, डे ऑफ एनी डेट। सबसे पहले एक सेंचुरी को चूज करो, कैलकुलेट लीप ईयर्स एंड जनरल ईयर, और उन साल में आपको एक सेंचुरी, पहले सेंचुरी को चूज करो, फिर आप लीप ईयर्स और जनरल ईयर्स को काउंट कर लो, लेफ्ट आउट करंट ईयर्स, और जो करंट ईयर लाइक अगर आप 1756 ईयर्स का निकाल रहे हो, तो जो आपकी 56 वाली ईयर है उसको निकाल दो, और 55 तक का आपको ये सब देखना है, ठीक है, सेंचुरी और आपका कैलकुलेट ईयर एंड जनरल ईयर। अब यहां पे समझ में भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। कैलकुलेट एक्स्ट्रा डेज, फिर आपको एक्स्ट्रा डे फाइंड करने हैं, फिर आपको मंथ कोड फाइंड करना है, फिर आपको डेट फाइंड करनी है, या फिर डेट फाइंड करनी है, मंथ कोड फाइंड करना है। और फॉर्मूला क्या है इसका, सिंपल ही है, एक्स्ट्रा डे लगाओ, डेट लगाओ, फिर मंथ कोड लगाओ, और डिवाइड कर दो 7 से, और जो आपका रिमाइंडर में आंसर आएगा, टेक एनी ओनली रिमाइंडर, वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी भी दिक्कत नहीं है, ये जब भी समझ में नहीं आ रहा तो भी परेशानी नहीं है, क्वेश्चन देखोगे समझ में आएगा, ठीक है, बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इसी तरीके से। एक्स्ट्रा डे और डे, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा अगर एक्स्ट्रा डे आपके आ रहे हैं, वीक्स के आगे आपके जो एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके रिमाइंडर में एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं, इन दो इनमें से आपको कुछ भी आ रहा है तो कोड आपको बस याद रखना है, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, 0 पे संडे, ओके। अब आती है गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मंथ कोड की हम बात कर रहे थे, तो ये रहे आपके मंथ कोड। ये मंथ कोड मैंने बहुत मेहनत करके बनाया और ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ना किसी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं और यही बस हैं, ठीक है। अगर कहीं भी जनवरी आ रहा है और वहां पे जनरल ईयर है तो वहां पे 0 आएगा, लीप ईयर में 0 आएगा, ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं, ये आपको रट लेने हैं, इनको लिख लो, ये यूज होंगे जब आपका मंथ आएगा। लाइक आपको जनवरी का फाइंड करना है तो आपको वहां पे 0 ऐड करना पड़ेगा, फरवरी का फाइंड करना है जनरल ईयर में तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, अप्रैल का फाइंड करना है जनरल ईयर में तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, लीप ईयर है तो 0 ऐड करना पड़ेगा, किस तरीके से ऐड होगा मैं दिखाऊंगा। अगर आपको याद करना है तो याद इस तरीके से कर सकते हो, आप देख सकते हो कि 0 किसका है, 0 जनवरी का है और अक्टूबर का है, फिर आप देख सकते हो 1 किसका है, 1 सिर्फ आपका मई का है, मई के अलावा और किसी का नहीं है, फिर आप देख सकते हो 2 किसका है, 2 आपका अगस्त का है और आपका बस 2 आपका अगस्त का है, फिर आप 3 देख सकते हो, 3 आपका फरवरी का है और मार्च का है और यहाँ पे नवंबर का है, फिर उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो लीप ईयर और जनरल ईयर के लिए, ठीक है, इसको लिख लो, देखो, ठीक है, आगे मूव करते हैं। सो गाइस अब हम करने वाले हैं आपका क्वेश्चन सोल्व, फाइंड द डे ऑफ एनी डे, ठीक है, मतलब फाइंड द डे ऑन 26 जनवरी 1950, तो 1950 और 26 जनवरी एक बहुत ही फेमस डे है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर लेना कि क्या यही सही डे था या नहीं, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने स्टेप बताए थे, आपको सेंचुरी चूज करनी है, सेंचुरी आपकी क्या है, 1950, ठीक है, 1950 आपकी सेंचुरी है, तो सेंचुरी जब आप यहां पे लेते हो 1900, आपको 1900 लेनी है ना सेंचुरी, यहां पे 1950 है, आप 1900 अपनी सेंचुरी लो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ऐसे ही आते हैं हर एक एग्जाम में, 1900 आपने सेंचुरी ली, 1900 सेंचुरी ली, ठीक है। अब आप देखते हो कि 1600 तक तो आपके एक्स्ट्रा डे कितने हुए, 0 हुए,
400 400 400 1600, बाकी बचे 300। ठीक है, अभी आपने पीछे कोड देखा था, देखा था ना, एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको। जब आप देखते हो यहां पे 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 1600 के बाद 100 200 और 300, तो 300 में आपका एक्स्ट्रा डे कितना हुआ, एक। ठीक है, अब आती है आपके लीप ईयर, लीप ईयर इन 49 ईयर। अब यहां पे तो अब आपको 40 देखना है ना, जो करंट ईयर, जो ईयर चल रहा है उसका नहीं देखना, बाकी जो बचे हुए ईयर्स हैं हमको उसका देखना है। ठीक है, 49 ईयर। अब बाकी 49 ईयर्स में आपको देखना है कि लीप ईयर कितने हैं। जब आप देखते हो तो 49 ईयर्स तक के अंदर आपके 12 लीप ईयर आते हैं। ठीक है, 12 कौन कौन से, आपका 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। ठीक है, 2000 नहीं, मतलब जो भी इस तरीके से आएगा, सॉरी। ठीक है, तो 12 आपके लीप ईयर्स आते हैं। जब आप काउंट करते हो, आप 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 12 लीप ईयर्स आएंगे उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, और लीप ईयर के आपके अंदर कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, लीप ईयर के अंदर आपके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अभी अभी हमने पीछे देखा है, इतनी जल्दी भूल गए तो पिटाई होने वाले बच्चे हो आप। ठीक है, तो आपके कितने हुए, 12 × 2 24 दिन हो गए, 24 एक्स्ट्रा डे हो गए। अब 24 में से भी आपके 21 दिन के 3 हफ्ते बन जाएंगे, 3 सप्ताह बन जाएंगे। फिर से 7 × 7 = 14 21, तो 21 दिन के तो आपके फिर से सप्ताह बन गए और 3 दिन आपके बचे एक्स्ट्रा, तो आप 3 को लिखोगे यहां पर। अब देखते हैं हम आपके जनरल ईयर। अब बाकी 49 ईयर्स में से आपके 37 जनरल ईयर हैं, और जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डे आपके कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 37 डेज बचे। अब 37 डेज में से भी आपके 35 डेज के तो आपके वीक बन जाएंगे, 7 × 5 = 35, तो आपके 5 सप्ताह और बन गए और वो कट गए, और बाकी जो 2 भी दिन बचे आपके एक्स्ट्रा डे ये हो गए। ठीक है, अब आपकी डेट आती है 26। 26 में से भी आपका क्या हुआ, 26 दिन में भी, मतलब डेट तो आपकी 26 है ना, तो मतलब 26 दिन आपके और हुए, तो 26 में से भी आपके 21 तारीख तक तो आपके सप्ताह बन गए, 7 × 7 = 14 21। ठीक है, 3 सप्ताह बन गए। ठीक है, बाकी बचे आपके 5 दिन, तो एक्स्ट्रा दिन आपके यहां पर 5 बचे, सभी के आपको 5 दिन लिखने हैं। फिर आता है आपका मंथ कोड, अभी हमने मंथ कोड की बात करी थी ना। ठीक है, तो ये आपका एक लीप ईयर नहीं है, तो आपको जनरल ईयर में देखना है जनवरी का आपका कोड क्या है, आपका 00 है, तो आपको यहां पे मंथ कोड लिख देना है। आपने मंथ कोड लिख दिया, अब आपको ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, एक्स्ट्रा डे। अब जब आप एक्स्ट्रा डे ऐड करते हो तो यहां पे आपका 1 2 4 4 और 2 6 6 5 11, अब आपके 11। अब टोटल आपके जो एक्स्ट्रा डे हो गए वो आपके 11 हो गए, बट 11 में से भी आपके 7 दिन का फिर से सप्ताह बन गया एक और। ठीक है, तो अब आपके एक्स्ट्रा डे जो बचे वो आपके 4 बचे। ठीक है, 4 बचे ना एक्स्ट्रा दिन। अब 4 आपको आपको क्या करना है, आपको फिर से दिन वाला कोड देखना है आपका, ये रहा 1 2 3 4, तो मतलब 26 जनवरी 1950 को आपका थर्सडे था। ओके, आप जाकर इसको गूगल सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। अब हम आपका इसी तरीके का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 दिसंबर 1986 को कौन सा दिन था। ठीक है, फिर से आपको वही करना है, सेंचुरी लो 1900 में से आपका 1600 तो 0 हो गया, 300 का आया आपका 1। लीप ईयर लेना है, लीप ईयर में से आपको 85 ईयर्स के अंदर आप लीप ईयर लेते हो तो 21 लीप ईयर आते हैं, और हर एक लीप ईयर के अंदर आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और 2 दिन को आप मल्टीप्लाई करोगे 21 से तो आपके 42 हो गए, और 42 आपका 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो मतलब 42 के 42 दिन का आपका सप्ताह बन गया, तो यहां पे आपका एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा लीप ईयर के, लीप ईयर्स में। जनरल ईयर्स में देखते हैं, जनरल ईयर आपके कितने आए, 64 क्योंकि जनरल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो इसलिए यहां पे 1 आया, और यहां पे आ गया आपका 64। अब आप 64 देखोगे तो 63 तक तो आपके डेज हो गए, कितने सब 63 तक के तो आपके वीक्स हो गए ना। ठीक है, 63 डेज तक के तो आपके कंप्लीट वीक्स हो गए, 9 वीक्स कंप्लीट हो गए, और बचा आपका एक एक्स्ट्रा दिन। नेक्स्ट आता है आपका डेट। अब डेट आती है आपकी कितनी, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर तक का आपके फिर से क्या होगा, वीक्स होंगे 21 तारीख तक के, 21 तारीख तक के आपके 3 वीक्स हो गए, 7 × 14 = 21। ठीक है, 3 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए, बचे आपके नेक्स्ट 6 दिन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दिन में आपके 6 लिख दिया। मंथ कोड, मंथ कोड आपका क्या आएगा, 0। ठीक है, मंथ कोड आपका यहां पे आ गया आपका 5। मंथ कोड यहां पे आपका 5 क्यों आ गया, क्योंकि ईयर आपकी 86 है, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो कि आपका 4 से डिवाइड होता है या नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी सर यार, अगर वीडियो पे कोई आवाज आ रही है पीछे से, अब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ओके, तो थोड़ा सा उस चीज को निग्लेक्ट करना और देखते हैं। सो डे है आपका
हाँ 27 दिन में से आपका 21 दिन के तो आपके सप्ताह बन गए, एक्स्ट्रा दिन बचे आपके 6। अब देखते हैं आपका मंथ कोड। मंथ कोड है आपका यहाँ पे 00, ये आपका कुछ पता नहीं गया, ठीक है छोड़ो इसको। तो आपको सिंपली ये देखना है कि आपका मंथ है आपका दिसंबर, और दिसंबर ये आपकी साल देखनी है आपको कि आपकी लीप ईयर है या नहीं। आपको लीप ईयर देखने के लिए क्या करना होगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो हम लीप ईयर का कोड चेक करते हैं, अब आपका लीप ईयर नहीं है तो हम जनरल ईयर का कोड चेक आपका यहां पर करने वाले हैं। तो आप जनरल ईयर में आप अपना दिसंबर का कोड देखते हो तो यहां पर आपका क्या आता है 05, तो आप यहां पर एक्स्ट्रा डे में लिख देते हो अपना 05, और आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका टोटल आता है 13, ठीक है 13 आपके एक्स्ट्रा डे हो गए। और फिर से क्या हुआ, इन 13 डेज में से आपके 7 दिन कट गए और आपके फिर से जो बाकी 6 दिन बचे, ठीक है 6 दिन तो आपके एक्स्ट्रा हो गए, 7 का तो आप एक और वीक बन गया ना, तो 6 बचा, और 6 का आपका क्या कोड है, 6 का आपका होगा सैटरडे। ठीक है सर्च कर लो कहीं भी गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखो, समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो मैं कल को और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द डे ऑन 30 जनवरी 2018, ठीक है सिंपल सी चीज है। पहले आपको सेंचुरी सर्च करनी है, सेंचुरी लिखनी है, सेंचुरी लिख के आपने 2000 आपकी लीप सेंचुरी थी, ठीक है तो ईयर हो गए भैया आपके यहाँ पे 0, एक्स्ट्रा डे हो गए आपके 0, क्योंकि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जो सेंचुरी आपकी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है उसमें आपके एक्स्ट्रा डे 0 होते हैं। अब देखना है आपको लीप ईयर, इन 2000 साल में आपके लीप ईयर कितने हैं, मतलब 17 साल में, क्योंकि 2000 तो छोड़ दिया ना, 18 भी छोड़ देनी है। जो आपकी करंट ईयर है जिसके बारे में आप सोल्व कर रहे हो वो आपको नहीं लेनी, उससे पिछले के साल लेने होते हैं। तो उन 17 सालों में आपके 4 लीप ईयर हो गए, और लीप ईयर के अंदर आपको क्या करना है, सॉरी यहां पर 2 आएगा, लीप ईयर के अंदर आपके 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लीप ईयर के अंदर आपके 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो आप 4 × 2 करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, और इन 8 दिन में से भी 7 दिन का आपका एक सप्ताह बन जाएगा। सप्ताह बनेगा तो आपका एक्स्ट्रा दिन बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। अब बाकी बचे आपके जनरल ईयर, अब 17 में से 4 तो आपके लीप ईयर हो गए, बाकी बचे आपके जनरल ईयर, और जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डे कितना होता है 52 वीक्स और 1 एक्स्ट्रा डे, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 13 × 1, तो यहां पे बचा है आपका 13। अब इन 13 में से भी आपका 7 का बन जाएगा एक सप्ताह, और बाकी बचे आपके 6 दिन एक्स्ट्रा। मंथ कोड आपको फिर से देखना है, मंथ कोड आपका 00 आ रहा है, मंथ कोड आप उसी चार्ट को फॉलो करो कि आपका लीप ईयर था या नहीं था। ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो आप इसमें अपना मंथ कोड देखते हो जनवरी का, जनरल ईयर आता है, और आपको जनरल ईयर का मैं कोड दिखा देता हूं, जनरल ईयर जनवरी, जनवरी का ये रहा आपका कोड 00, आपने यहां पे अपना 00 लिख दिया। आपकी फिर डेट आ गई, डेट पहले यहां आनी थी फिर मंथ आना था, ठीक है उसको ऊपर नीचे कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेट आ गई, डेट हो गई आपकी 30। अब 30 में से भी आपका 28 तक तो आपके 4 सप्ताह कंप्लीट हो गए, बाकी बचे आपके 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, आपने यहां लिख दिए। अब आप इसको ऐड कर दो, अब आप इसको ऐड करोगे तो आपके आ जाएंगे 9 दिन। अब 9 में से भी आपके 7 दिन का फिर से एक और सप्ताह हो गया, एक्स्ट्रा दिन बचे आपके 2। अब इन 2 का आपका आ गया ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे, आ गया ना, नहीं आया समझिए देखो मंडे और ट्यूसडे, ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से सीरीज बनाई है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर। हे गाइस वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट, और आज की वीडियो में हम करने वाले आपके कैलेंडर का पार्ट 2, ठीक है हम इस वीडियो में आपके कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम कैलेंडर के जितने भी बेसिक्स रूल्स और जो भी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हम सभी सब कुछ कर चुके हैं और वो मैं आपको बता चुका हूं। बट अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा और आप इसको देख रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, शायद आपको कुछ कुछ तो चीजें समझ में आएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। उसके बाद आप उसको देख लेना और फिर से इसको देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। सो इनमें से आपकी किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन क्या हो सकता है। जब हमने इससे पहले वाला लेक्चर करा था और हमने उसमें बात करी थी एक्स्ट्रा डेज की, ठीक है अगर आप कभी भी कैलेंडर सोल्व करते हो और किसी भी तारीख का कोई भी दिन फाइंड करने की कोशिश करते हो तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा डे फाइंड करने होते हैं। एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डे वो होते हैं जो कि आपके साल में आखिरी दिन में मतलब बचे होते हैं। आप अगर आपका कोई जनरल ईयर है, जनरल ईयर वो दिन वो साल होता है जिसमें आप जिसमें साल में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर वो होता है जिसमें साल में 366 डेज होते हैं। जो जनरल ईयर होता है उसमें आपके 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और जो आपका लीप ईयर होता है उसमें आपके 366 डेज और 2 डेज 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। सो अगर जनरल ईयर में आपके साल का पहला दिन मंडे था तो आपके साल का आखिरी दिन भी मंडे होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जब आपका साल का जनरल ईयर था, साल का पहला दिन मंडे था, तो उसमें आपके 52 वीक्स थे जो कि आपके खत्म होंगे कब, 30 दिसंबर को। तो साल का पहला दिन आपका
फर्स्ट जनवरी को आपका मंडे था, तो 30 जनवरी को आपका डेफिनेटली संडे होगा, और संडे के बाद आपकी 31 तारीख आएगी, ठीक है ना। 30 के बाद आपकी 31 तारीख आएगी तो आपका मंडे हो जाएगा। वही सेम चीज आपके लीप ईयर में नहीं होगी, ठीक है। जनरल ईयर में क्या होता है, अगर आपके साल का पहला दिन आपका मंडे था तो आपके साल का आखिरी दिन भी मंडे होगा, बट लीप ईयर में ऐसा नहीं होता। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपके दो एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले जो हमने कल पढ़ा मैं उसको रिवाइंड करा रहा हूं, एक बार उसको याद कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा, फिर ये सॉल्व करने में थोड़ी सी इजी होगी और बाकी सबको भी इजी होगा जिन्होंने जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ओके। और लीप ईयर में आपका क्या था, लीप ईयर में आपका ये था कि आपके साल में दो एक्स्ट्रा डे होते हैं, 52 वीक्स और टू एक्स्ट्रा डेज। सो अगर आपके साल का पहला दिन मंडे था लीप ईयर में, तो आपके साल में 52 वीक्स थे और 52 वीक्स आपके खत्म होंगे 29 दिसंबर को, और 29 दिसंबर को आपका संडे होगा, ठीक है, और 30 दिसंबर को आपका मंडे होगा, और 31 दिसंबर को आपका ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो हमको इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जनरल ईयर में जिस दिन साल शुरू होती है उसी दिन साल खत्म होती है, उसी दिन नहीं मतलब लिटरली सेम डे, मतलब अगर साल को 1 जनवरी को मंडे था तो आखिरी दिन भी आपका मंडे होगा 31 दिसंबर का जनरल ईयर में। लीप ईयर में अगर साल का पहला दिन मंडे था तो साल का आखिरी दिन आपका ट्यूसडे होगा, उससे नेक्स्ट डे होगा, ठीक है, अगला दिन। दूसरी चीज हमने बात करी थी आपकी सेंचुरीज के बारे में, सेंचुरीज के बारे में हमने बात करी थी कि अगर हमको पहले लाइक 1826 का कोई डे निकालना है, पहली जनवरी का, दूसरी जनवरी का या फरवरी का, किसी का भी, तो उससे पहले हमको सेंचुरीज को जानना होगा। हमने बात करी थी सेंचुरीज की, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर, जब हम पैन निकालेंगे तो हमको सब कुछ पता होना चाहिए। और हमने ये भी बात करी थी आपके दो टाइप के कैलेंडर होते हैं, आपका एक जनरल ईयर, एक लीप ईयर, एक और आपका पहला बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी बीसी एंड एडी के बारे में, ओके। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आपके इस क्वेश्चन पे, बाकी जो आप समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा था तो आप इस चीज को याद करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, इनमें से आपकी आपका कौन सा आखिरी दिन हो सकता है किसी भी सेंचुरी का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, ठीक है, किसी भी साल का। तो हमने कल करे थे आपके कुछ इस तरीके से, हमने कुछ चीजें करी थी, पहले हमने 100 साल का निकाला था, क्योंकि अगर हमको 1500 का निकालना है तो हमको पहले 1500 साल का निकालना पड़ेगा ना कि एक्स्ट्रा डेज क्या रहे हैं। तो हमने 100 साल के एक्स्ट्रा डेज निकाले थे तो आपके 5 दिन आए थे, ठीक है, 100 साल में आपके 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अगर आपको नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसको सिंपली याद कर लीजिए, 100 साल में आपके 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं, जो भी ऐसे बता रहे हैं इसको एक्स्ट्रा डे यहां पे लिख लेना, ये डेज हैं और ये आपकी सेंचुरीज हैं। 200 साल में आपके 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 200 साल में किस तरीके से होता है, अगर आपके 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे होंगे तो 200 साल में आपके 10 होंगे, ठीक है, 10 होंगे ना, ठीक है, 5 × 2 करोगे आप, आपको पता है 100 साल में आपके 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं तो 200 साल में आपके 10 हो गए, और 10 में से भी 7 दिन का आप एक सप्ताह बन जाएगा, तो आपने 7 को काट के आपके जो बाकी 3 एक्स्ट्रा डे बचे वो लिख दिया यहां पे, और 3 का आपका कोड क्या था, वेडनेसडे, ठीक है, 5 का आपका कोड क्या था, फ्राइडे। मैंने कोड भी बताए थे, अगर आपको याद हो तो देखो ये रहे आपके कोड। अगर आपके एक्स्ट्रा डेज में 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 आता है तो सैटरडे, और 0 आता है तो संडे, ठीक है, अब इस चीज को याद रखना, ओके। सो ये था आपका, तो अगर 300 डेज 3 दिन होते हैं तो याद कर लेना, अगर नहीं याद तो आपको, और वेडनेसडे होता है, 3 का कोड आपका वेडनेसडे होता है। 300 साल में आपका 1 बचा, अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 3 दैट मीन्स 15, और 15 दिन में से 14 दिन का तो आपका एक सप्ताह बन जाएगा, 2 सप्ताह बन जाएंगे, ठीक है, तो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो 1 दिन आपका यहां पे लिख दे, और 1 का कोड आता होता है आपका मंडे, और नेक्स्ट होता है आपका 400 ईयर, 400 साल, 400 साल में क्या होता है, 400 साल का आपका 0 होता है। 400 साल का आपका 0 क्यों होता है, क्योंकि कल हमने बात करी थी एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर एंड एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरीज आपको पता होगा, शताब्दी, जिसके बाद में 00 आएगा, या फिर है ना, जिसके बाद में 00 आएगा वो आपकी शताब्दी, लाइक 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10000, 12000, 2000, जो भी चल रही है, ठीक है। तो जब आपके एंड में 00 आएगा तो वो होती है आपकी शताब्दी, और बाकी जो आपके नॉर्मल ईयर्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉन सेंचुरी ईयर्स, ठीक है। तो अगर आपको नॉन सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर फाइंड करना होता है तो आप उसको 4 से डिवाइड करते हो, और अगर आपको सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर फाइंड करना होता है तो आप उसको 400 से डिवाइड करते हो। अगर आपका कोई भी एक ईयर, ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर अगर आपका 4 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो वो आपका लीप ईयर होता है, और अगर आपका कोई सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो आपका लीप ईयर होता है, और
हर चौथी शताब्दी आपकी लीप ईयर होती है। तो ये वाली शताब्दी आपकी लीप ईयर नहीं थी, ये वाली शताब्दी भी आपकी लीप ईयर नहीं थी, ये वाली शताब्दी भी आपकी लीप ईयर नहीं थी, और ये वाली शताब्दी आपकी लीप ईयर थी। 400 होगी, 800 होगी, फिर 1200 होगी, फिर 1600 होगी। ठीक है, तो 400 का जो आपका कोड हुआ, क्योंकि 400 वाली भी तो आपकी ये वाला, जब आप देखोगे बैक वाली पीछे वाली वीडियो में जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको समझ में नहीं, समझना नहीं है, याद करके क्वेश्चन को करना है, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो 400 का आप अपना एक्स्ट्रा डे जीरो मान लो। याद कर लो, 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है, और 400 साल में आपका 0 होता है। और कोड याद कर लेना, एटलीस्ट डे कोड तो आप याद कर ही सकते हो। 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, 4 का थर्सडे, 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे और 0 का संडे। ठीक है, सो हमारे ऑप्शन क्या थे? क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, कि किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन क्या हो सकता है। सब आपको यहां पे पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा डेज कितने बचे। एक्स्ट्रा डे अगर 5 आ रहे हैं तो यहां पे आपका फ्राइडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, और मंडे आएगा, और संडे आएगा। तो आपको देखना है इसमें से आपका यहां पे क्या रहा है, फ्राइडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, यहां पे आपका फ्राइडे आ रहा है, हाँ, तो यहां पे मतलब आपका फ्राइडे हो सकता है। तो फ्राइडे तो आपका आंसर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, ठीक है, अगर 100 साल है, 100 साल में अगर आपका पहला दिन, ये आपकी जनरल ईयर मानी जाएगी ना, ठीक है, जो भी आपकी अगर फ्राइडे को शुरू हुई तो उसका दिन भी तो आपका लास्ट का फ्राइडे ही होगा ना, ठीक है, ओके, क्योंकि अगर फ्राइडे आया, फ्राइडे आपका लास्ट डे, लास्ट आया, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आ रहा तो पीछे की वीडियो फिर तो आपको देखनी ही पड़ेगी, ओके okay, तो 5 डेज आपका जो भी है, 5 डेज आप डायरेक्ट कोड लगा दो अपना, ठीक है, कोड से समझ लो अगर आपको नहीं भी आ रहा। तो कोड है यहाँ पे 5 का फ्राइडे, 3 का वेडनेसडे, 1 का मंडे और 0 का संडे। तो आपको इसमें से देख लेना है कि आपका फ्राइडे कहां पे आ रहा है, ये आपका फ्राइडे, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सो द आंसर इज फ्राइडे एंड इट कैन नॉट बी, और अगर आपका साल का आखिरी दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ये वाले बस फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या फिर आपका संडे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका, फाइंड द डे ऑन 13th अप्रैल 1999। ओके, तो हम किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो हमको पहले उसकी सेंचुरी के एक्स्ट्रा डे निकालने होते हैं, फिर हमको लीप ईयर्स निकालने होते हैं जो आपके बचे हुए साल हैं इनमें से, फिर हमको आपके जनरल ईयर्स निकालने होते हैं, फिर आपको डेट निकालनी होती है, फिर आपको मंथ कोड यूज करना होता है। अब बात आती है मंथ कोड की, तो गाइस ये रहे आपके मंथ कोड, ठीक है, इनको जरूर याद कर लेना। जनरल ईयर्स के मंथ कोड आपके ये रहे और लीप ईयर्स के आपके ये रहे, आप इसको याद कर सकते हो। 1 किसका होता है, 2 किसका होता है, 3 किसका होता है, इस तरीके से, ओके, इसको याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस तभी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। बट अगर आप आलसी और नहीं करना चाहते तो घंटा सॉल्व होंगे, पेपर में एक भी क्वेश्चन आप पर कैलेंडर का नहीं हिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप इसको कर लेते हो तो दुनिया में कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ दो, ठीक है। तो देखते हैं, तो 13 अप्रैल 1999, सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले सेंचुरी चूज करनी है, आपने 1900 सेंचुरी चूज कर ली, ठीक है, जो आपकी सेंचुरी चल रही है। तो जब आप सेंचुरी लेते हो तो आपकी सेंचुरी होती है 1600 प्लस 300। अब 1600 क्यों, 1600 आपका 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 400 का आपका क्या आता है कोड, एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 00, तो मतलब 1600 साल में तो आपके 00 डे हो गए, और बाकी बचे आपके 300 साल। अब आपके 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डे हैं, 300 साल में आपके 1 एक्स्ट्रा डे है, तो यहां पे आपका 1900 के आगे आ गया एक्स्ट्रा डेज में, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज में आपका आ गया 0 और 1। अब बात कर लेते हैं हम आपके लीप ईयर्स की। अब एक चीज मैंने कल आपको और बताई थी, और अगर आपने कल वीडियो कल नहीं देखी थी तो ये समझ लो कि जब हम डेज निकालते हैं तो हमको प्रेजेंट करंट ईयर नहीं लेना होता, जिस साल के बारे में हम निकाल रहे हैं उस साल का नहीं लेना होता। तो मतलब हम यहाँ पे पिछले 18 साल का निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स का निकालेंगे। तो 18 ईयर्स का निकालना है, 19 का नहीं निकालना, क्योंकि वो तो चल ही रहा है अभी, इसके बाद भी और भी तो मंथ आएंगे, तो पूरे साल आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 18 साल का निकालना है, 18 साल में पहले आप लीप ईयर्स निकालोगे। लीप ईयर किस तरीके से निकालोगे, पहला आपका 400 हो गया, फिर आपका 800 हो गया, फिर आपका 1200 हो गया, फिर आपका 1600 हो गया, ठीक है। तो आपके कितने लीप ईयर्स हुए, लीप ईयर्स इन 18 ईयर्स, तो आपके 4 लीप ईयर हुए, 4 लीप ईयर हो गए ना। तो 4 में और 1 लीप ईयर में आपके कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 1 लीप ईयर में आपके 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, याद है। तो आपको यहां पे क्या आया, आपका 4 आया, 4 लीप ईयर हुए, तो 4 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे हुए, 4 × 2 = 8। अब 8 दिन यहां पे आपका आ गया, 8 दिन आ गया ना, अब 8 में से भी आपके 7 दिन का एक सप्ताह बन जाएगा, बन जाएगा। तो एक फिर यहां पे आपके पास कितने दिन बचे, आपके पास यहां पे 1 दिन बचा, तो आपने एक्स्ट्रा डे में 1 दिन लिख दिया।
अब आता है आपका जनरल ईयर। जनरल ईयर आपके 18 में से 4 चले गए तो आपके 14 बचे, बाकी 14 तो आपके जनरल ईयर बचे ना। अब 14 में भी जनरल ईयर में भी आपका जो सॉरी यहां पे बनाएगा ठीक है, जनरल ईयर में आपका क्या होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है 52 वीक्स और वन एक्स्ट्रा डे, तो 14 × 1 दैट इज 14। और 14 दिन के 2 सप्ताह हो गए तो यहां पे आपका 0 आ गया एक्स्ट्रा डे में। ठीक है, फिर आपको डेट निकालनी है, डेट कौन सी आपकी 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल में भी आपके 7 दिन का तो एक सप्ताह हो गया तो बाकी बचे आपके 6 दिन। ठीक है, अब आ गया आपका मंथ कोड है आपका यहां पे 6 और आपकी ईयर कौन सी है 19 और ये आपकी एक लीप ईयर नहीं है तो ये आपकी जनरल ईयर है। जनरल ईयर में आपके अप्रैल का कोड है 6 ठीक है ना, ये जनरल ईयर है, देखो जनरल ईयर अप्रैल का कोड है 06 तो आपको यहां पे अपना ये कोड लिख देना है। और गाइस ये जो मैंने कोड बनाए हुए हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी मेरी वीडियो के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 06, ना किसी बुक में ना किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी नहीं, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं और सॉल्व करके बनाए हुए हैं, सो ये तो नहीं मिलने वाले इतने शॉर्ट तरीके से। तो ये हो गया गाइस आपका 06। ओके, कोड लगा दिया हमने, अब बस आपको इसको ऐड करना है एक्स्ट्रा डेज को। अब जब आप एक्स्ट्रा डेज ऐड करोगे तो 6, 6, 12, 12 और 2, 14 आपके एक्स्ट्रा डे हो गए, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज आपके हो गए 14 एक्स्ट्रा डे हो गए। यहां पे आ गया आपका 00, क्योंकि 14 डेज के भी तो आपके 2 सप्ताह बन गए ना, 2 सप्ताह बन गए तो आपके 00 आ गया। और अब 0 का आपका डे कोड क्या था, डे का कोड है आपका संडे, तो मतलब आपका 13 अप्रैल 1999 को संडे था। ओके, और विश्वास नहीं है तो आप जाओ अभी के अभी गूगल करो और देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। ठीक है, ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसा अभी हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो सिंपल सी आपको इसमें चीज देखनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे, हमने उसमें आपका फर्स्ट डे देखा था, इसमें हमको आपका लास्ट डे देखना है, हमने उसमें आपका फर्स्ट डे देखा था ना, कैन बी द लास्ट डे, तो इसमें हमको आपका फर्स्ट डे देखना है, सॉरी इसमें हमको फर्स्ट डे देखना है, उसमें लास्ट डे देखना है, देखा था तो हमने देखा था क्या उसमें आपका कोई भी अगर संडे हमको फर्स्ट डे चाहिए किसी सेंचुरी का, तो हमारी पहली जो सेंचुरी बीती है उसका लास्ट डे आपका सैटरडे होना चाहिए। तो क्या आपका कोई सैटरडे था, सैटरडे आपका नहीं था। ठीक है, सैटरडे नहीं था, आपका फ्राइडे था, वेडनेसडे था, मंडे था और संडे था। तो आपके वेडनेसडे लाने के लिए आपको ट्यूसडे चाहिए, तो ट्यूसडे आपका लास्ट डे था, नहीं था, तो ये भी नहीं हो सकता। सैटरडे भी नहीं था, संडे आपका था। ठीक है, जो आपके सेंचुरी के लास्ट डेज थे वो आपके फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे थे ना। ठीक है, सो अगर आपका या तो सैटरडे हो सकता है, या फिर थर्सडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे हो सकता है, या फिर आपका मंडे हो सकता है, ये संडे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द डे ऑन 2 अक्टूबर 1869। ये जो आपकी डेट है ये गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है, ये बहुत ही फेमस डे है, तो सभी को आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, और नहीं भी पता तो अब आपको पता चलेगा, एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आपका इसी के साथ हो गया। तो अब हम देख, इसमें सिंपली हमको फिर से उसी तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले 1869 है तो 1800 आपकी सेंचुरी ले लो, 1600 के आपके 0 हो गए, बचे आपके 200 ईयर्स के आपके जो एक्स्ट्रा डे होते हैं वो होते हैं आपके 3। फिर आपको 69 की जगह 68 में से आपको लीप ईयर फाइंड करने हैं, अगर आप 68 में लीप ईयर काउंट करोगे तो आपके 17 लीप ईयर होते हैं। अब आपके एक लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 34 में से भी आपके 28 डेज के तो वीक्स बन जाएंगे कंप्लीट, बाकी बचे आपके 6 दिन, तो 6 दिन आपने एक्स्ट्रा डेज में लिख दिए। फिर गिनने आपको जनरल ईयर, अब आपके जनरल ईयर हो गए 51। ठीक है, 68 में से 17 आपके लीप ईयर हो गए तो बाकी तो आपके 51 ईयर हो गए ना जनरल, और जनरल में आपके दिन होते हैं, सॉरी फिर मैंने 2 लिख दिया यहां पे, सो जनरल में आपके दिन होते हैं 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे होता है ना, एक जनरल ईयर में 52 वीक्स और 1 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो 51 × 1 इसका मतलब आपका 51 हो गया, और 49 डेज के आपके कंप्लीट वीक हो गए तो 2 दिन हुए आपके एक्स्ट्रा। अब आपको देखनी है डेट, और डेट है आपकी 2, तो आपको 2 लिख देनी है। फिर आपका आता है मंथ कोड आपको देख लेना है, आपकी ईयर क्या चल रही है, आपकी ये लीप ईयर नहीं है तो आपकी ये जनरल ईयर है, जनरल ईयर में आपको अक्टूबर का कोड देखना है, जनरल ईयर में आप अक्टूबर का कोड देखते हो तो आपके अक्टूबर का 00 कोड आता है जनरल ईयर में, ये आपका जनरल ईयर, ये आपका अक्टूबर, ये आपका 00 कोड, तो आपने अपना कोड लिख दिया। अब आपको काउंट करना है तो आपके 13 डेज आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 13 डेज हो गए आपके 13 एक्स्ट्रा डेज। अब इन 13 डेज में से भी आपके 7 दिन का एक सप्ताह बन गया तो आपके पास बाकी एक्स्ट्रा दिन बचे 6, और 6 का आपका कोड क्या होता है, सैटरडे।
ठीक है, हो गया ना इतनी जल्दी सोल्व? कितनी मिनट लगी आपको? 1 मिनट लगी। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको माइंड में ही सोल्व कर पाओगे। ओके गाइस, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपका उसी तरीके का एक तरीके का एक और क्वेश्चन हो गया आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी? सो इनमें से आपका कौन सा ऐसा दिन है जो कि सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता? ठीक है, तो देख लेते हैं। 100 साल में आपके 5 होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 200 साल में आपके 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 300 साल में आपका 1 एक्स्ट्रा डे होता है। 400 साल में आपके कितने होते हैं? 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। सो आंसर इज सैटरडे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी? सो सैटरडे इज योर आंसर। ओके, और कौन कौन सा आपका डे नहीं हो सकता? इट कैन बी ट्यूजडे एंड थर्सडे ऑल्सो। और ये आपका ट्यूजडे और थर्सडे भी हो सकता है। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी? पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा आपका सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपने सेंचुरीज ली, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 100 साल में आपके 5 एक्स्ट्रा डे थे, 200 साल में आपके 300 एक्स्ट्रा डे थे, वो 3 एक्स्ट्रा डे थे, 300 साल में आपके 1 एक्स्ट्रा दिन था और 400 साल में आपके 0 दिन थे। ठीक है, तो मतलब कि साल के 100 साल में आपका आखिरी दिन जो था वो फ्राइडे था, 200 साल में आपका वेडनेसडे था, 300 साल में आपका मंडे था और 400 साल में आपका संडे था। तो यहां पर आप जब देखते हो तो आखिरी दिन आपका मंडे था, मंडे दिया हुआ है। ठीक है, ये था संडे, दिया है संडे, संडे यहां पे नहीं है, संडे नहीं है। ओके, मंडे है, मंडे है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे भी है, फ्राइडे है, फ्राइडे भी है। तो यहां पर आपका सैटरडे नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर है कि किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन शनिवार नहीं हो सकता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी? किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो शनिवार नहीं हो सकता, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है और फ्राइडे भी हो सकता है। ठीक है, ये चारों आपके वो दिन है जो किसी भी शताब्दी के एंड में आएंगे, और यही चारों आएंगे, इन चारों के अलावा कोई भी नहीं आएगा किसी भी शताब्दी के एंड में, आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, सो आंसर इज सैटरडे एंड इट कैन बी ट्यूजडे एंड थर्सडे। ट्यूजडे और थर्सडे भी आपका आंसर इसमें हो सकता है, ये दोनों भी आपके किसी भी शताब्दी के अंत में नहीं आएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डे ऑन 24 अक्टूबर 1945। फिर से आपको लग रहा होगा, अरे यार फिर से वही मुसीबत आ गई, इतना बड़ा क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1900 साल दिए हैं, 19 को 2 में डिवाइड कर दो, पहले 1600 और फिर 300। 1600 के कितने हो गए? 1600 के आपके 0 एक्स्ट्रा डे हो गए, 300 का आपका 1 एक्स्ट्रा डे हो गया। ठीक है, 300 का आपका 1 एक्स्ट्रा डे हो गया, एक्स्ट्रा डे में आपने 1 लिख दिया। अब हमको 45 में से बस 44 का लेना है, जो ईयर हमारी करंट ईयर है, जो ईयर चल रही है, उसके हमको एक्स्ट्रा डे नहीं लेने हैं, नहीं लेने ना, 44 में लेना है। तो आप 44 सालों में लीप ईयर काउंट कर लो, पहले 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, 44 हो गया। तो आप देखो कितने हुए, 11 लीप ईयर हो गए, और एक लीप ईयर के अंदर आपके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डे। तो आपको क्या करना होगा, इन 11 साल के एक्स्ट्रा डेज को गिनना होगा। एक्स्ट्रा डेज को कैसे गिनोगे, मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, तो 22 एक्स्ट्रा डे हो गए। ठीक है, अब इन 22 डेज में से एक दिन बचा, आप 21 डेज के तो आपके वीक कंप्लीट हो गए, 3 वीक हो गए ना, 7, 14, 21। ठीक है, तो 21 दिन के आपके 3 वीक कंप्लीट हो गए, उनको हटा दिया, बचा आपका एक दिन। अब आपने अपना एक दिन यहां पर लिख दिया, अब हमको काउंट करने हैं जनरल ईयर। अब 44 सालों में से 11 साल तो आपके लीप ईयर हो गए, तो बचे हुए 33 क्या हुए आपके, बचे हुए 33 आपके जनरल ईयर हो गए। और जनरल ईयर में आपके कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक जनरल ईयर में आपके 52 वीक और 1 एक्स्ट्रा डे होता है, 52 वीक्स 1 एक्स्ट्रा डे। तो आपके जो 33 ईयर्स हैं उसके एक्स्ट्रा डे काउंट करने हैं ना, तो मल्टीप्लाई 1 कर दोगे। ठीक है, तो 33 आपके एक्स्ट्रा डे हो गए, और अब इन 33 डेज में से भी आपके 28 डेज के वीक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, 4 वीक कंप्लीट हो गए और बाकी बचे आपके 5 दिन। ठीक है, 33 में से 28 जाएंगे तो 5 दिन बचे ना आपके एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा डेज में आपने ये लिख दिया। अब डेट हमारी कौन सी पूछी है, डेट हमारी पूछी है 24। अब इन 24 दिन में से भी आपके 21 दिन के तो वीक कंप्लीट हो गए, 3 वीक हो गए, बाकी बचे आपके 3 दिन, तो 3 दिन आपने यहां पर लिख दिए। अब आपका कहा आया मंथ कोड, मंथ कोड आपका 0000 क्यों आया, आपकी ये कौन सी ईयर है, आपकी एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर वो होती है जो आपकी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ये आपकी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपकी एक जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर में अक्टूबर का आपका मंथ कोड क्या होता है, जनरल ईयर में आपके मंथ कोड होता है 00। ठीक है, आप इन मंथ कोड्स को जरूर याद कर लेना, वरना पेपर में मंथ कोड की वजह से रह जाओगे, बाकी सब तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 00। अब आपको इसको सारे जितने भी एक्स्ट्रा डेज है इनको जोड़ लो, 5 और 3 8,
तीन और पांच आठ और दो दस, दस हो गए। और अब इन दस में से भी जो एक्स्ट्रा डेज हुए टोटल वो आपके टेन हो गए, और अब इन दस दिन में से भी आपके सात दिन का एक सप्ताह बन गया, बाकी बचे आपके तीन दिन। और तीन दिन का मतलब आपके एंड में आपका जो लास्ट आंसर है वो थ्री आया है ना, और थ्री का आपका दिन क्या होता है, थ्री का आपका होता है वेडनेसडे। सो आपके आपको 24 अक्टूबर 1945 को आपका तीन सॉरी आपका वेडनेसडे था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1995 को वेडनेसडे था, आप चेक कर सकते हो गूगल करके। अब हम देखते हैं आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, इनमें से आपके सेंचुरी का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का पहला दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, संडे, अब आपको फिर से वही देखना है, सिंपल सी चीज है, पहले 100 साल लिख लो, 200 लिख लो, 300 लिख लो, 400 लिख लो। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा डे आपके 5301, और 5 का कोड होता है फ्राइडे, 3 का कोड होता है वेडनेसडे, और 1 का कोड होता है मंडे, और फिर होता है संडे। अब यहां पर पूछा गया है कि इनमें से फर्स्ट डे आपका सेंचुरी का कौन सा नहीं हो सकता, जब शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे था, तो अगली शताब्दी का जो आपकी अगली शताब्दी आई, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी एंड फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी, ठीक है। अगर किसी एक शताब्दी का मतलब जब आपके 100 साल कंप्लीट हुए तो उस दिन आपका फ्राइडे था, और जो अगली शताब्दी जब आपकी 101वीं साल आई उसकी पहली जनवरी को आपका शनिवार था, ठीक है, और जब आपकी 200 साल कंप्लीट हुई तो आखिरी दिन आपका वेडनेसडे था, और जब आपकी 201 साल आई तो उसकी जनवरी को पहला दिन आपका थर्सडे था, ठीक है। 300 साल कंप्लीट खत्म हुए तो आपको लास्ट डे मंडे था, और 301 जो साल आपकी आई थी उसमें आपके साल का पहला दिन मंगलवार था, फिर आपका ट्यूसडे था, ठीक है। और आपकी जो 400 है, जब आपकी 400 साल खत्म हुई तो साल शताब्दी का और उस साल का आखिरी दिन आपका संडे था, और अगली शताब्दी का जो आपकी 401 साल आई थी उसका पहला दिन आपका मंडे था। अब यहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, कि मतलब किसी भी शताब्दी का पहला दिन आपका इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। सैटरडे, सैटरडे तो होता है, थर्सडे, थर्सडे नहीं दिया हुआ, ट्यूसडे, ट्यूसडे होता है, संडे, मंडे, मंडे नहीं, मंडे भी दिया हुआ है, तो कौन सा नहीं हो सकता, यहां पे दिया हुआ है आपका संडे। सो द आंसर द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी संडे, सो किसी भी सेंचुरी का पहला दिन आपका संडे नहीं हो सकता, ठीक है। सो संडे इज द राइट आंसर, और ये भी आप याद रखना, फर्स्ट, सो द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। किसी भी शताब्दी का पहला दिन ना तो संडे कभी होगा, ना वेडनेसडे होगा, और ना ही फ्राइडे होगा, ये फिक्स्ड है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, मैं तीती बाकी बचे हुए इसलिए बता देता हूं ताकि आप इनको, आपको ये याद हो जाए, और एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। तो अगर आप ऐसा एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हो तो आपको उससे बाकी भी दिन भी तो पता चल जाते हैं ना, कि ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, तो आपको डायरेक्टली उन तीनों को याद कर लोगे, तो आपको पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने में इजी रहेगा। आप क्वेश्चन रीड करोगे, टिक लगा दोगे बिना वजह, दूसरों की तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, जब आपको ये क्वेश्चन आपने घर पे सोल्व करके जाओगे, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। भले ही आपसे दिन वेडनेसडे आ जाए, ऑप्शन में संडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, जब आपने क्वेश्चन अभी यहां पे इस वक्त किया तो आपको पता चलेगा कि आपके ये तीनों दिन है जो भी किसी भी शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया, आपको तीनों का पता चल गया, एग्जाम में आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आया, बाकी तो लेके पेन पेपर लगे रहेंगे, फॉर्मूला इधर उधर का लगा के, आपको कुछ नहीं करना, आपको हे गाइस वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट, और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कैलेंडर का पार्ट थ्री। अब से पहले हम आपके दो पार्ट कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देख लीजिए, और फिर आपको ये सब कुछ और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो इसमें भी समझ में आने ही वाला है, ठीक है। हम इसमें आपके कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको अपने एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन आपका हुआ फाइंड द डे ऑन 16th अक्टूबर 2005। तो ये क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था, तो मैं बताता हूं कि कैसे सोल्व होगा। सिंपल आपको मैंने बताया आपसे पहले वाली वीडियो में, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डे निकालने होते हैं और आपका आंसर आ जाता है। अब एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं, आपकी डेट ये है 16 अक्टूबर 2005, हमको इसका दिन निकालना है कि क्या दिन होगा आपका। सबसे पहले आपको सेंचुरी लेनी है, सेंचुरी कौन सी लेनी है आपको, 2000।
जब भी हम कोई 2000 जब भी हम कोई सेंचुरी लेते हैं तो हम पता करते हैं कि वो सेंचुरी एक लीप ईयर थी या नहीं, और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 400 से डिवाइड करते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, 2000 आपका 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब इसमें आपका एक भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा, 2000 में आपके जीरो एक्स्ट्रा डे हैं। फिर हम फाइंड करते हैं आपकी लीप ईयर। लीप ईयर हमको इसके बीच में, मतलब जो भी आपकी ईयर्स है, एक तो हमको ये वाली ईयर जो 2005 जो चल रही है उस वाली ईयर को हम छोड़ देते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उससे पहले के साल लेते हैं, तो आपकी चार साल आती है, 2001, 2002, 2003 और 2004। 2004 तक के बीच में आपकी कितने लीप ईयर्स आते हैं, सिर्फ एक आती है, जो कि खुद ही 2004 आपकी एक लीप ईयर है। तो आपकी 2005 तक आपकी एक लीप ईयर आई, ठीक है, वो है आपकी 2004। तो 2004 में आपकी एक लीप ईयर आई, और एक लीप ईयर में मैंने आपको बताया कि आपके कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक लीप ईयर में आपके दो एक्स्ट्रा डे होते हैं। दो एक्स्ट्रा डे किस तरीके से होते हैं, हर एक जनरल ईयर में आपके 52 वीक्स होते हैं, वन एक्स्ट्रा डे होता है, और हर एक लीप ईयर में आपके 52 वीक्स होते हैं, टू एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो ये वही टू डेज हैं, ठीक है, जब आप 2-1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यहां पर टू एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल ईयर्स। जनरल ईयर्स का क्या सीन है, आपके 2005 तक, 5 तो हमने हटा दिया था, 4 तक काउंट करना है, 2001, 2, 3, 4, ठीक है, 2001, 2, 3, 4, तो उसमें तो आपका एक लीप ईयर हो गया था, तो बाकी कितने बचे आपके, जनरल ईयर। और जनरल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जनरल ईयर्स में आपके 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, पता है ना आपको, 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा, तो 3 × 1 = 3 रह गया, तो यहां पे हमने एक्स्ट्रा डेज में आपका 3 लिख दिया। फिर आती है आपकी डेट, उसके बाद आपको डेट लेनी है, आप डेट लिखोगे यहां पे, डेट के आपके 16, और 16 मतलब 16 दिन, और 16 दिन में से 14 दिन के आपके 2 सप्ताह कंप्लीट हो गए, तो एक्स्ट्रा डे कितने बचे आपके, 2 -14 = 2, तो 2 एक्स्ट्रा डे बचे 16 दिन के अंदर आपके। ओके, फिर आता है आपका मंथ कोड। मंथ कोड मैंने आपको बताया था कि याद कर लेना, बट अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो उनको जाके याद कर लेना। ये रहे आपके मंथ कोड, ये लीप जनरल ईयर्स के, ये लीप ईयर्स के, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए, बिना मंथ कोड के आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और इनको याद कर लीजिएगा। तो 2005 हमारी कौन सी साल है, 2005 हमारी एक जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में हमारा कौन सा मंथ है, अक्टूबर, तो हमको देखना है जनरल ईयर के अक्टूबर में हमारा क्या है, मंथ कोड हमारा 0 है, तो हमको यहां पे सिर्फ अपना मंथ कोड लिख देना है। अब आप अपना मंथ कोड लिखने के बाद तो आपको टोटल करना है, तो आप देखते हो कि यहां पे आपका टोटल आता है 7, तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हुए आपके 7, और 7 का भी आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट वीक, ठीक है, तो आपके कितने एक्स्ट्रा डे बचे, 0, और 0 का आपका कोड क्या था, 0 का आपका कोड है संडे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, 16 अक्टूबर 2005 को आपका संडे था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 18th February। सो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि 18 फरवरी 1348 को आपका क्या दिन था। ठीक है, तो आपकी सेंचुरी कौन सी है आपके यहाँ पे 1300 को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो सेंचुरी फाइंड करनी होगी जो कि आपके उसके नियरर है और 400 से डिविजिबल है, तो आपकी 1200 से डिविजिबल है, तो 1200 तक का तो आपका 0 हो गया, 0 एक्स्ट्रा डे हो गए, और बाकी बचे 100 के आपके इतने एक्स्ट्रा, 100 साल में आपके कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 100 साल में आपके 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने प्रूफ किया था, उसको नहीं आपको समझ में आ रहा तो फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद काउंट करने आपको अपने लीप ईयर, लीप ईयर 48 इयर्स के अंदर आपको आपके कितने लीप ईयर्स आएंगे, वो आपके 11 लीप ईयर आएंगे, और एक लीप ईयर के अंदर कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक लीप ईयर के अंदर आपके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, तो आपके कितने दिन हुए, 22। अब 22 डेज में से भी आपके 21 डेज के 3 कंप्लीट वीक बन गए, तो वो हट गए, और एक्स्ट्रा डे आपके कितने बचे, 1। अब बाकी बचती है आपकी जनरल ईयर, जनरल ईयर आपकी कितनी बची, 48 में से आपके 11 चले गए, तो आपके कितने हुए, 36 जनरल ईयर, और जनरल ईयर में आपके एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 1, तो 36 × 1 = 36, तो और आपके 35 डेज के बन गए कंप्लीट वीक, तो कितने एक्स्ट्रा डे बचे आपके पास, 1। ठीक है, अब डेट है गाइस यहां पे आपकी कितनी, 18। अब 18 में से भी आपके 14 तारीख तक के, तो 14 दिन के, तो 2 कंप्लीट वीक हो गए, बाकी बचे आपके कितने एक्स्ट्रा डे, 4। अब आता है आपका मंथ कोड, मंथ कोड आपकी कौन सी ईयर है, क्या ये आपकी लीप ईयर है, देखो इसको, अगर ये आपकी 4 से डिवाइड होती है तो ये आपकी लीप ईयर है, और अगर आपकी ये 4 से डिवाइड नहीं होती तो ये आपकी एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं कि जनरल ईयर और लीप ईयर, चाहे आपके यहां पे जनरल ईयर हो या लीप ईयर हो, दोनों का मंथ कोड आपका यहां पर सेम ही होगा, 03 और 03, देख सकते हो, जनरल ईयर में भी आपका मंथ कोड 03 और लीप ईयर में भी आपका मंथ कोड 03 है। ओके, तो जहां भी फरवरी आएगी वहां पे इस बात को याद रखना कि आपका कोड हमेशा 03 ही आएगा। ओके,
इसमें आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है, ओके। और अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको सिंपल उस ईयर को 4 से डिवाइड करना होगा। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है, बट अगर वो एक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 से, तो वो एक लीप ईयर नहीं है, ओके। तो हमको पता चल गया कि फरवरी है तो 03 आएगा, हमने 03 पुट किया, हमने डेज काउंट करे तो यहां पे आपका टोटल 14 आएगा। 5 + 6 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 3 = 14। तो 14 के भी आपके क्या बन गए, दो कंप्लीट वीक बन गए। तो यहां पे आपका आ गया 0, और 0 का आपका कोड क्या होता है, संडे, ठीक है, संडे। और आपको एक तरीका और बता देता हूं इसको सोल्व करने का। एक आपका तरीका सिंपल ये हो सकता है कि यहां पे आपके 48 ईयर्स है, तो 48 तो जो करंट ईयर चल रहा है वो हमको लेने नहीं है, आप सिंपल अपने 47 ले लो। एक स्टेप कट करना है ना आपको, अगर एक स्टेप कट करना हो तो सिर्फ 47 ईयर्स लो। 47 ईयर्स लेने के बाद आप सिर्फ क्या काउंट करो, आप जनरल ईयर काउंट, लीप ईयर काउंट करो, फिर जो लीप ईयर आए हैं उसमें एक्स्ट्रा डे कुछ मत लगाओ, सिंपल आप अपने कितने लगा दो, 11 को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। 47 + 11 कितना होगा आपका, 58 आ गए। 58 में से फिर आप अपने वो निकाल दो, वीक्स निकाल दो, और यहां पे एक्स्ट्रा डे लिख दो, लीप ईयर जनरल ईयर के एक साथ ही आपके डेज आ जाएंगे। फिर आपको सेंचुरी, डेट और मंथ कोड ही काउंट करना होगा, आपको ये एक्स्ट्रा डे वाले लीप ईयर और जनरल ईयर के काउंट नहीं करने होंगे। आ गए ना समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक 1 जनवरी 2010, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछा गया है कि अगर पहली जनवरी, अगर 2006 में 1 जनवरी का संडे था, तो 2010 में 1 जनवरी का आपका क्या दिन होगा, ठीक है। ये इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 1 जनवरी 2006 को संडे था तो 1 जनवरी 2010 को क्या दिन होगा। आपको चार ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक जनरल ईयर होती है, अगर वो जनरल ईयर मंडे को स्टार्ट होती है तो वो मंडे को ही खत्म होती है, क्योंकि एक जनरल ईयर में कितने वीक्स होते हैं आपके, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। एक जनरल ईयर में एक 52 वीक प्लस वन डे होता है, तो ये 52 वीक आपके कब खत्म होंगे, 30 दिसंबर को खत्म होंगे, ठीक है। आपका पहला दिन का मंडे था तो आपके कितने, 30 दिसंबर को आपका संडे हुआ, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट 52 वीक खत्म होंगे ना। एक वीक जब आपका मंडे से शुरू होता है तो वो संडे पे खत्म होता है, और ऐसा ही कब तक होगा आपका, ऐसा ही आपका 30 दिसंबर तक होगा। 30 दिसंबर तक ऐसा हुआ तो 31 तारीख को आपको क्या हुआ, मंडे हुआ। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर 1 जनवरी 2006 का मंडे था तो 1 जनवरी 2007 को आपका ट्यूसडे होगा, 2008 को आपका वेडनेसडे होगा। अब आप देखते हो यहां पे एक लीप ईयर है, ठीक है, मंडे था, मैं एग्जांपल बता रहा हूं अभी, यहां पे मंडे था, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, सॉरी यहां पे हमारे क्वेश्चन में संडे है तो यहां पे आपको संडे कर देना है, ओके, इस चीज को ध्यान रखो। यहां पे क्वेश्चन में आपका मंडे नहीं है, यहां पे क्वेश्चन में आपका संडे, मैं एग्जांपल बता रहा था, तो हम संडे ही लेके चलते हैं, मंडे क्यों लेना हमको। तो अगर 1 जनवरी 2006 को आपका संडे था, ओके, तो हमारा 31 तारीख को भी क्या होगा, संडे होगा, और अगले साल की 1 जनवरी को आपका क्या होगा, मंडे होगा, आया समझ। और उससे भी अगले साल की 1 जनवरी को आपका क्या होगा, ट्यूजडे होगा। अब यहां पे क्या हुआ, 2008 आपकी एक लीप ईयर है तो यहां पे आपके दो दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ट्यूजडे में आपको क्या ऐड करना होगा, ट्यूजडे में आपको 2 ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब आपका मंगल था, ठीक है, मंगल था ना 31 दिसंबर को आपका मंगल था, तो 1 जनवरी को आपका क्या होगा, 31 दिसंबर को आप सॉरी 1 जनवरी को आपका मंगल था, बट ये एक लीप ईयर है तो इसके जो 31 तारीख होगी उसको आपको क्या होगा, बुध होगा, और 1 जनवरी 2009 को आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका मैं अभी और बताऊंगा सॉल्व करने का। अब जब आपका 1 जनवरी 2009 का थर्सडे हो गया तो अगले साल 1 जनवरी 2010 का आपका सिंपली फ्राइडे हो जाएगा, आया समझ, नहीं आया तो देखो, 2006 को आपको संडे था, उसके बाद आपका हर साल एक दिन बढ़ता जाएगा, लाइक क्योंकि संडे को ही तो आपका दिन खत्म होगा ना, जनरल ईयर है, 2006 आपकी जनरल ईयर है, ओके, 2006 आपकी जनरल ईयर है, और जब भी कोई जनरल ईयर किसी दिन से स्टार्ट होती है तो वो उसी दिन पे खत्म होती है। तो मतलब जब अगले साल आएगी एक जनरल ईयर, अगर 2006 में 1 जनवरी का संडे था तो 2007 में 1 जनवरी का मंडे होगा और 2008 में आपका ट्यूसडे होगा। अब 2008 जो है वो आपकी एक लीप ईयर है, तो मतलब कि आपका जो ट्यूसडे था वो आपका 30 दिसंबर को था और 31 दिसंबर को आपका वेडनेसडे था और 1 जनवरी को आपका थर्सडे हुआ 2009 में,
और फिर से आपकी जनरल ईयर है तो थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे हो जाएगा 1 जनवरी को। ठीक है, अब इसका एक तरीका और है सोल्व करने का, वो भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, ऑन 31 दिसंबर 2005 इतवार सैटरडे। अब आपको पता है कि अगर 1 जनवरी 2006 को, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो एक दिन हम पीछे चले जाते हैं। एक दिन हम पीछे कहां गए, 31 दिसंबर 2005 को आपका क्या हुआ, सैटरडे। ठीक है, उसको भूल जाओ आप, 1 जनवरी का संडे भूल जाओ, 1 जनवरी 2006 का संडे भूल जाओ, 2005 में आ जाओ 31 तारीख का। तो अब आपको बस एक्स्ट्रा डे लेने हैं। 2006 आपके एक जनरल ईयर है तो एक एक्स्ट्रा डे, 2007 भी आपके जनरल ईयर है तो एक और एक्स्ट्रा डे, 2008 आपकी लीप ईयर है तो दो एक्स्ट्रा डे, 2009 आपके जनरल ईयर है तो एक एक्स्ट्रा डे, 2009 आपके एक जनरल ईयर तो एक एक्स्ट्रा डे, 2010 आपकी एक जनरल ईयर है तो एक एक्स्ट्रा डे। टोटल को काउंट कर लो, 6 हो गया। आपका यहां पे दिन क्या था, सैटरडे। सैटरडे में आपको सिर्फ 6 प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा फ्राइडे, और यहां पे ऑप्शन में है फ्राइडे, तो ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों ही मेथड से आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बिना वजह फालतू का क्वेश्चन बना रखा है बच्चों को डराने के लिए। शायद इस क्वेश्चन को देख के आप डर जाओ, बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें पूछ लिया आपसे हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ 7x² 8x 8x 14x और 7x। अब सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक वन वीक में आपके कितने डेज होते हैं, 1 वीक में आपके 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो एक्स वीक्स में आपके कितने डेज हुए, एक्स वीक्स में आपके 7x डेज हुए। ओके, 1 वीक में आपके 7 डेज होते हैं तो एक्स वीक में आपके 7x डेज हुए। लाइक कोई पूछ ले आपसे 5 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप 5 को x मान लो, x को ही तो 5 मानोगे ना। जब आपको कोई एक वैल्यू देगा तो आप उसको 5 वीक्स यहां लिखोगे, ठीक है, और जब आप 5 लिखोगे तो इसको 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35 डेज हो जाएगा। बट यहां पर हमारी जो वैल्यू है, हमसे पूछा है कि x वीक्स में कितने वीक्स होते हैं, कितने डेज होते हैं, तो हमको क्या करना है, x वीक्स लिखेंगे और 7 × x लिख देंगे, 7x हो गया। तो भाई 7x डेज होते हैं। अब पूछ लिया हाउ मेनी डेज आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज। ठीक है, तो x डेज भी निकालना है, x वीक्स तो हमारा आ गया, इतना तो आ गया, ये आ गया, बस हमको x डेज निकालना है, तो x डेज निकाल देंगे। x वीक्स प्लस x डेज, तो x वीक्स तो हमारे 7x थे और x डेज कितना है, x ऐड इस प्लस में x ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8x। ठीक है, तो कितने हुए 8x डेज। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज, तो ये हो गया हमारा 8x डेज। तो यहां 8x है, हाँ हमारा आंसर में है। तो ये हो गया आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द डे ऑन 16 जुलाई 1988। सिंपल से चीज है, सेंचुरी ले लेंगे। आप सिंपल से एक चीज करो, इसको याद कर लो, देखो सेंचुरी लीप ईयर जनरल ईयर डेट मंथ। ठीक है, पहले एक सेंचुरी सिंपल एक लाइन में लिख दो, सेंचुरी लीप ईयर जनरल ईयर मंथ और डेट, या फिर इन दोनों पार्ट को आप एक जगह सोल्व कर सकते हो। कितने ईयर है, 88 है, 88 की जगह आप 87 ले लो, 87 का 87 लिख दो। ठीक है, 87 लिख दिया, 87 लिखने के बाद आप 87 ईयर्स के अंदर देखो कि कितने लीप ईयर्स हैं, जितने भी लीप ईयर्स हैं उसमें उसको ऐड कर दो, वो हो गए आपके जनरल और लीप ईयर के एक्स्ट्रा डे। अब उन एक्स्ट्रा डे में से जो आपके वीक्स हैं, मतलब उनको जो कंप्लीट वीक हो रहे हैं उनको बाहर फेंक दो, और जो एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं उनको लिख दो। आपका यहां पे से दो स्टेप का एक ही स्टेप बन जाएगा वो। ठीक है, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए तो डिटेल में बताया हुआ ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें 1900 सदी लेनी है, मतलब 1900 सेंचुरी लेनी है, तो सेंचुरी ली 1900। अब 1900 के पास वाली हमको देखनी है जो कि आपकी 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्योंकि सेंचुरी का फंडा हमारा ये होता है कि कोई भी ईयर तभी लीप सेंचुरी ईयर मानी जाएगी जब वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। हमें बस क्या निकालना है, हमको चाहिए एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डे में आपके कितने हुए, 1600 में तो आपका एक भी एक्स्ट्रा डे नहीं हुआ, और बाकी बचे आपके 300, तो 300 में आपका एक्स्ट्रा डे होता है एक, तो 1600 प्लस 300 तो हो गया आपका 1900 का काम खत्म हो गया, एक एक्स्ट्रा डे मिला है आपको। बाकी बचे आपके 88 ईयर्स, 88 ईयर्स में से हमको 88 वाला ईयर नहीं लेना है क्योंकि वो अभी चल रहा है, करंट ईयर नहीं लेते, 87 ईयर को सोल्व करते हैं। 87 ईयर में हमको एक्स्ट्रा डे फाइंड करने हैं, तो आपने 87 ईयर में देखा कि हमारे 21 लीप ईयर होते हैं। अब एक लीप ईयर में आपके दो एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है, पता है ना ये बात आपको कि एक लीप ईयर में आपके 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, एक लीप ईयर में आपके 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डे होता है, वीक्स तो हमने फेंक दिया, एक्स्ट्रा डे को याद रखा, एक्स्ट्रा डे 21 × 2, तो ये हो गया हमारा 42, और 42 के आपके बन गए कंप्लीट वीक्स क्योंकि 42 आपका 7 से डिविजिबल है, तो मतलब कंप्लीट वीक्स बन गए।
तो हमारे एक्स्ट्रा डे कितने बचे लीप ईयर में, जीरो। अब आया हमारे जनरल ईयर, जनरल ईयर को आपको देखना है, जनरल ईयर हमारे कितने हैं, 87 माइनस 21 कर दो, क्योंकि 21 तो हमारे लीप ईयर है ना, तो 66 हमारे जनरल ईयर आ गए। अब जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डेज होते हैं आपके 1, एक जनरल ईयर में आपके 52 वीक्स और 1 एक्स्ट्रा डे होता है ना, तो 1 एक्स्ट्रा डे याद रखना है 62 into 1, ठीक है, तो 62 into 1 66 हो जाएगा, और 63 डेज का आपका बन गए 9 कंप्लीट वीक्स, ठीक है। तो बाकी एक्स्ट्रा डेज कितने बचे आपके पास, 3 एक्स्ट्रा डेज बचे, ये भी याद रखना, हो गया इतना भी काम। अब आई हमारी डेट की बारी, डेट दी है हमारी 16 जुलाई, तो 16 जुलाई में से आपके 14 दिन के बन गए कंप्लीट वीक्स, बाकी बचे हमारे 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 2 एक्स्ट्रा दिन हमने यहां लिख दिया। अब आया आपका मंथ कोड, मंथ कोड अब हमको ये देखना है कि आपका एक लीप ईयर है या नहीं, कौन सा मंथ है आपका, जुलाई, जुलाई आपका एक लीप ईयर है या नहीं, तो आपको सिंपली यही देखना है। लीप ईयर देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको 4 से कंप्लीटली डिवाइड करना है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो ये आपका एक लीप ईयर है। अब जैसा कि यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मंथ कोड जुलाई, जुलाई एक लीप ईयर है, 88 आपका एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर का आपका मंथ कोड क्या होता है जुलाई में, ये आपके लीप ईयर, ये रहा आपका जुलाई, ये रहा आपका मंथ कोड 00, तो यहां पे आपको 00 लिख देना है, सिंपल सी चीज थी, इसको ऐड कर दो, आंसर आपका आ गया 3 4 5 6 6 आपका आया, और 6 आपका किस चीज का कोड होता है, सैटरडे का। शायद आप में से बहुत सारों को डेज का कोड नहीं पता, जब भी आपका आंसर में इनमें से कुछ भी आया तो वो आपका कोड होगा, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो सैटरडे, 6 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे, 0 आया तो संडे। तो हमारा आंसर यहां पे हमारा 6 आया, तो 6 का मतलब हमारा सैटरडे हो गया। अब हम देख लेते हैं आपका एक और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन इस कैलेंडर की सीरीज का, ठीक है, आपकी कैलेंडर की सीरीज यहीं पर खत्म होती है, कल से हम आपका एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग में, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द डे ऑन 7th August 2018, मैंने आपके हर एक तरीके का क्वेश्चन करा दिया है, अगर आप कैलेंडर की तीनों वीडियो को देख लोगे तो गारंटीड, मैं 100% गारंटी लेता हूं लिख के, अगर आपको आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा कैलेंडर का, आप पूरी दुनिया में जितने कैलेंडर हैं सबकी डे डेट सब फाइंड कर दोगे, ठीक है। द डे, फाइंड द डे ऑन 7th August 2018, हमको 7 अगस्त 2018 का दिन फाइंड करना है, सिंपल सी चीज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2000 वाला हमने साल लिया, तो 2000 लिया, तो एक्स्ट्रा डे आए हमारे 0, क्यों आए 0, क्योंकि हमारा 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 2000 हमारी एक लीप सेंचुरी है, ठीक है, तो हमारे एक्स्ट्रा डे हुए 0। अब बात आती है हमारी लीप ईयर की, हमको 18 दिया हुआ है तो हमको 17 तक का फाइंड करना है, ठीक है, जो करंट ईयर हमारा चल रहा है उसको हमको नहीं देखना होता, 17 ईयर्स का हमको फाइंड करना है, तो 17 ईयर के अंदर आपके 4 लीप ईयर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक हो गया आपका 2004, 2008, 2012, 2016, 4 हो गए, और एक लीप ईयर के अंदर आपके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है, लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा डे याद आना, 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डे, और 2 एक्स्ट्रा डे को आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 2 8, तो 8 दिन हो गए। अब इन 8 दिन में से भी 7 का आपका बन गए कंप्लीट वीक, तो हमने वीक को दिया फैक, एक्स्ट्रा डे को रख लिया क्योंकि हमको एक्स्ट्रा डे से जरूरत है और एक्स्ट्रा डे से मतलब है, एक्स्ट्रा डे हो गया हमारा 1। अब बात आती है आपकी जनरल ईयर की, जनरल ईयर कितने हुए, जब आपके 17 साल में से 4 लीप ईयर हो गए तो बाकी बचे 13 आपके जनरल ईयर हो गए, और जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डे होता है आपका 1, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे होता है, तो 13 into 1 हो गया इज इक्वल टू 13। अब 13 में से भी आपके 7 दिन का बन गया फिर से वीक, वीक को फिर से फेंक दो, बाकी बचे तुम्हारे 6 दिन, 6 दिन को लिख दो तुम एक्स्ट्रा में यहां पर। अब आई तुम्हारी डेट, डेट है तुम्हारी 7 का, तो फिर से एक वीक बन गया, तो फिर से फेंक दो, बाकी बचा आपका 0। अब आया आपका मंथ कोड अगस्त, अब आपको देखना है कि क्या 2018 आपकी एक लीप ईयर है, आपकी 2018 एक लीप ईयर नहीं है, तो आपको देख लेना है मंथ कोड, मंथ कोड आपने याद नहीं करे इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन, चलो मैं ही दिखा देता हूं, आपका ईयर क्या है 2018, मंथ है आपकी अगस्त, तो लीप ईयर नहीं है, एक जनरल ईयर, और जनरल ईयर के अगस्त का कोड होता है आपका 2, तो आप देख लो यहां पे 2 ही लिखा होगा, यहां पे 2 लिखा है, आपको क्या कर देना है इसको ऐड, 6 और 1 7 और 2 9, अब यहां पे आ गया भैया 9, अब बोलोगे कि इस चार्ट में तो आपका 9 है ही नहीं, है ना, है ना, हाँ यही बोल रहे हो, क्योंकि पहले की वीडियो आपने देखी नहीं है और देखी तो समझी नहीं है। अब इन 9 में से भी तो आपके एक वीक बन जाएगा ना, 7 दिन का आपका एक वीक बन गया ना, और वीक को तो हम देंगे फैक, थ्रो कर देंगे उसको, बाकी बचे आपके 2 दिन, 2 दिन बचे ना एक्स्ट्रा, तो 2 दिन का आपका क्या कोड होता है, 2 दिन का होता है आपका ट्यूसडे, देखो ये रहा ट्यूसडे, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ट्यूसडे। आज के लिए वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि फ्यूचर में सभी इसी टाइप की रीजनिंग की वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी, मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स आते हैं, दिन में 2 बजे आपकी जनरल अवेयरनेस आती है,
रात को 8 बजे आपकी रीजनिंग आती है, और ये तीनों सीरीज आपकी हमेशा कंटिन्यू रहेंगी पूरे साल, चाहे कोई भी एग्जाम आए, ये सभी में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चाहे आपका DRDO हो, या फिर आपका SSC का कोई एग्जाम हो, या बैंकिंग का हो, या फिर किसी भी चीज का, ठीक है, जहां रीजनिंग आती है वहां मेरे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा देना फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और हां, एक कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक आप रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बाय बाय।